नमस्कार दोस्तों, टूपाई लाइफ में आपका स्वागत है। हम वापस आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, प्रेशर हेड एंड पास्कल। इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर मतलब पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, यानी यूनिट एरिया में जो फोर्स लगाई जा रही है वह हमारा प्रेशर होता है। एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक यूनिट एरिया हो गया, ठीक है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो मैं इस तरीके से बल लगाऊंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा, ठीक। प्रेशर, अब ये आता है कि भाई फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर की क्या इतनी आवश्यकता होती है? तो फ्लूइड स्टैटिक प्रेशर पे ही होता है। उसमें मेनली वर्क जो होता है प्रेशर का होता है। जब एक फ्लूइड स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तो जिस वेसल या जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में वो होगा, तो वो फ्लूइड उस वॉल पे, उसकी सरफेस पे कहीं ना कहीं प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रेशर हो गया। प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? प्रेशर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और तीसरा गेज प्रेशर। इसे हम वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं या नेगेटिव गेज प्रेशर भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यह है कि वातावरण में, जैसे हम पे कुर्सी पे या किसी पानी पे, किसी सामान या इस मार्कर की स्निप पे या इस पे, सब जगह 1 एटीएम प्रेशर लगता है, 1 एटीएम, ठीक है। तो हम वही रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। एक ये रेफरेंस लाइन ले ली हमने, यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर हो गया। अब देखिए क्या होता है, इससे ऊपर जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा आ जाता है गेज प्रेशर में, ऑलराइट। इसके नीचे से, इस लाइन के नीचे से जो मेजर किया जाएगा वो हमारा आ जाता है निगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं? वैक्यूम प्रेशर, ऑलराइट। अब सोचिए, ये यहां तक मेजर कर रहा है, ये 1 एटीएम से नीचे जो मेजर कर रहा है, बट यहां से एक लाइन गई जो ये एटीएम के ऊपर चली गई, ये हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर। ध्यान देने वाली चीज है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर यहां से चल रहा है, ये यहां तक भी जाएगा तो भी एब्सोल्यूट प्रेशर ही कहलाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। स्पेलिंग और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। बात समझ में आ गई? एब्सोल्यूट प्रेशर का जो फॉर्मूला है, जिस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं प्रेशर, तो इसमें हम क्या क्या ले लेते हैं? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर हो गया। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज नोट कराने जा रहा हूं, कंठस्थ कर लो, रट लो, याद कर लो, जैसा करना है कर लो, समझने वाली चीज है, हर जगह काम में आएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 एटमॉस्फेरिक, यूनिट भी लिख रहा हूं साथ में, 760 mm ऑफ Hg, 101325 पास्कल, ठीक, 1.01325 बार, और भी कुछ रह गई? ठीक, ये याद करने वाली चीज है, ठीक है। इसे याद तो किलो पास्कल में लिख लो, 101.325 किलो पास्कल, ये कॉमन सेंस की चीज है, आपको भी पता होगा, ठीक। तो ये चीज आप याद कर लो, ये 1 एटीएम बराबर हमारा इतना इतना इतना, या इसे डिवाइड में भेजिए, गुणा भाग करके आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं कि कितने प्रेशर में कितना हमारा होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेशर हेड की, ठीक है। प्रेशर एनर्जी जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें हेड की जरूरत पड़ती है। किसी भी मतलब रेस्ट में जो हमारा फ्लूइड है उसकी सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जो भी हमारी हाइट ली, मतलब पॉइंट है, वहां से जो हाइट मेजर की जाती है वो हमारे प्रेशर हेड पे आती है,
जिसकी सिर्फ नॉर्मल सा फॉर्मूला है H इक्वल टू पी अपॉन रो जी। ठीक है, ये हमारा प्रेशर हेड का फॉर्मूला है कि उस पॉइंट पे हमारा कितना प्रेशर लग रहा है। हाँ, इसकी यूनिट जो है वो मीटर है। ठीक, मीटर इन मीटर में आता है, कोई हाइट तो ऑब्वियसली मीटर में ही आएगी। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं से भी ले लेंगे हम। ठीक है, जहां पे हमें मेजर करना होगी क्या हाइट आ रही हो, प्रेशर एनर्जी को काउंट करने के लिए प्रेशर हेड की आवश्यकता होती है हमें। पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ के विषय में बात कर लेते हैं। पास्कल लॉ कहता है कि कोई भी फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, जब वो रेस्ट में है तो उस पर अगर हमने कोई भी प्रेशर लगाया, जस्ट सपोज कि ये एक वेसल है, इस वेसल में ये फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ है, अब ऊपर से कोई एक यहां से कोई प्रेशर लगाया गया, तो वो प्रेशर यहां पे और यहां पे बराबर ही लगेगा, या इस कोने में ले लो या इस कोने में ले लो, हर वॉल पे बराबर लगेगा। इसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए आप, ये लीजिए यहाँ पे पी एक्स है, यहाँ पे पी वाई है, यहाँ पे पी जेड है, तो ये आपके बराबर होंगे, पी एक्स इक्वल टू का पी वाई इक्वल टू का पी जेड, प्रेशर बराबर ही लगेगा, ये हमारा पास्कल लॉ कहता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।